गाइस, मैं हूँ आरती शाह। आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरा पकोड़ा यानी पफ राइस। ये जल्दी बन जाता है और अच्छा टेस्टी स्नैक्स है। चलो तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुरमुरे पकोड़े। मुरमुरे पकोड़े बनाने के लिए हमने पहले 5 बाउल पफ राइस ले लिया है और उसमें 1/2 बाउल प्याज डालेंगे, 1/2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 3 टेबलस्पून चना का आटा डालेंगे, 1 टेबलस्पून चावल का आटा डालेंगे, 1 बाउल धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चम्मच से बराबर हला लिया था। अब हमें इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। पहले हाथ में ऑयल लगा लेंगे, ये मसाला लेके उसको ऐसे ऐसे करेंगे, बड़े छोटे जैसे गोले बनाने हो वैसे बना सकते हैं। ऐसे रखेंगे, सारे गोले ऐसे बना लेंगे। सारे गोले तैयार हो गए हैं। अब हम ऑयल गरम करने रखेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब ये बॉल्स हम ऑयल में डालेंगे। धीमी आंच पर पकाना है, गोल्डन ब्राउन करना है।